जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में जो आपका दोस्त, आपका भाई आपको बताने वाला है, क्लास 11th हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम लोग साइंस के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइंस आखिर क्या होता है। आज आपको पता चलेगा कि साइंस बेस्ड होता है या फिर आर्ट, या साइंस में मतलब विज्ञान कठिन विषय है या फिर गणित। तो इस चीज को आज हम लोग समझेंगे और गणित के बारे में भी हम लोग कुछ जानकारी लेंगे कि गणित किसकी शाखा है। तो आपको पता चलेगा इस वीडियो में कि गणित जो है विज्ञान का ही एक क्या है, भाग है। अगर साइंस की बात किया जाए तो साइंस का ही एक प्रकार होता है जिसको हम लोग गणित पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि विज्ञान आखिर क्या है, साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो देखिए, साइंस ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसका हिंदी होता है, हिंदी रूपांतरण होता है विज्ञान। ये हम सभी को पता है अच्छी तरह से। अब देखिए, विज्ञान में क्या होता है कि ये दो शब्द से बना है। पहला तो एक बना है वी, दूसरा बना है आपका ज्ञान। तो ज्ञान का अर्थ तो होता है ज्ञान ही होता है, लेकिन वी का जो अर्थ होता है आपका, वो होता है आपका विशिष्ट, जिसका मूल रूप से हम लोग कहते हैं अपार। यानी हम लोग साइंस को परिभाषित कर सकते हैं इस रूप से कि विज्ञान जिसमें अपार ज्ञान हो उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि साइंस शब्द की उत्पत्ति, साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, काफी हम लोग जो है पसीना पसीना होकर पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है आपका लैटिन के, याद रखिएगा, लैटिन के दो शब्द साइंटिया, साइंटिया या सारिया से हुई है, सारिया से हुई है। बात समझ में आ रहा है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन के दो शब्द साइंटिया या फिर सारिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान होता है। ठीक है, यानी ज्ञान होता है। अब हम लोग जानेंगे कि साइंस जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो विज्ञान, जरा इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेते तो बेस्ट होता। आगे हम पढ़ेंगे कि साइंस कितने प्रकार के होते हैं विज्ञान। देखिए, विज्ञान जो है मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि तीन प्रकार के कौन कौन से होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन जी नहीं, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है ना। देखिए, पहला होता है आपका प्राकृतिक विज्ञान होता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है सामाजिक विज्ञान होता है, सोशल साइंस जिसको हम लोग कहते हैं, राइट। तीसरा आपका होता है निराकार विज्ञान, निराकार विज्ञान, फॉर्मलेस साइंस कहते हैं, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस कहते हैं। हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आ जाएगा। इसी में आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह वगैरह ये आ जाएगा। निराकार विज्ञान का इसी का पार्ट जो है आपका मैथमेटिक्स होता है, इसी का पार्ट आपका मैथमेटिक्स होता है। गर्मी काफी है, परेशानी बहुत अधिक है, फिर भी पढ़ा रहे हैं। और आज जो है अपना ऑफलाइन क्लास कुछ हम नहीं जा पाए, इंड कर दिए हैं, इसी वजह से आपको यहाँ पे क्लास दे रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो प्राकृतिक विज्ञान फिर दो प्रकार के होते हैं जिसको आप लोग नवमा क्लास में पढ़ेंगे। तो पहला होता है इसमें आपका भौतिकी, और दूसरा होता है यहाँ पे जीव विज्ञान। ठीक है, फिर आगे समझेंगे हम लोग। ये भौतिकी भी फिर दो प्रकार का होता है। तो इसमें आपका चला जाता है भौतिक, एक होता है भौतिक जिसको कहते हैं फिजिक्स, और दूसरा होता है आपका यहाँ पे रसायन शास्त्र। नहीं दिख रहा है अभी, थोड़ा वेट कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि भौतिक जो है दो प्रकार के, भौतिक और रसायन शास्त्र होता है। और इस तरह से ये क्लास यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है, क्योंकि काफी लोग परेशानी में इस क्लास को दे पा रहे हैं, तो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये काफी मेहनत कर रहे हैं, अभी ये थोड़ा सा जो है स्टूडियो टाइप का जी इसको हम क्रिएट कर ही रहे हैं।